Hello class 4 today we will study social science so students in previous class we had learned the desert landscape and the thar desert from your second chapter okay now today we are going to discuss climate of the desert and life in the desert desert regions remain hot and dry throughout the year there is little or no rainfall ड्यूरिंग समर्स द डेज आर वेरी हॉट एंड nights आर pleasant. ड्यूरिंग विंटर्स द डेज आर वार्म एंड the नाइट्स आर कोल्ड सो स्टूडेंट्स क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा रहता है वो देखेंगे ओके डेजर्ट रीजन क्या होता है साल भर में वहाँ पे गर्मी ही रहती है वो साल भर गर्म रहता है ओके okay? और ड्राई रहता है वहाँ सिर्फ थोड़ा सा रेनफॉल होता है या फिर नहीं होता है समर के टाइम दिन में क्या होता है बहुत हॉट रहता है वो प्लेस और नाइट में प्लीसेंट रहता है ठंडी के टाइम दिन में गर्म और रात में ठंडा रहता है क्या डेजर्ट रीजन ओके देन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट डज नॉट अलो बिग ट्रीज टू ग्रो इन दी रीजन देयर फॉर ऑनली स्केटर्ड बुशेज एंड थ्रोनी शर्ब्स आर फाउंड इन दिस रीजन सच एस एकासिया, कैटई एंड डेट पाम हॉट और ड्राई क्लाइमेट की वजह से उस रीजन में क्या होते हैं बड़े ट्रीज ग्रो नहीं कर पाते हैं ओके इसलिए सिर्फ कांटेदार शब्स और स्केटर्ड बुश वहां पे पाए जाते हैं ओके किस रीजन में डेजर्ट रीजन में और कौन कौन से जैसे कि एकासिया, कैक्टस और डेट पाम जैसे शब ओके नेक्स्ट इज लाइफ इन दी डेजर्ट लाइफ इन अ डेजर्ट इज वेरी हार्ड पीपल डू नॉट गेट इनफ वाटर टू फुलफिल देयर नीड्स हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू गेट वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज सो स्टूडेंट्स डेजर्ट प्लेस में रहना बहुत ही मुश्किल होता है वहाँ के लोगों को सफिशियंट वाटर नहीं मिल पाता है ओके अपने काम को पूरा करने के लिए उन्हें अच्छे से पानी नहीं मिल पाता है और आप जानते ही होंगे कि पानी हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है पानी से ही सारा काम किया जाता है ओके okay. वहाँ के जो हुमेंस है वो बहुत दूर तक चल के जाते हैं क्यों जाते हैं पानी लाने के लिए ओके okay. ताकि वो अपने सारे काम कर सके सारी जरूरतों को पूरा कर सके पीपल मोस्टली रियर शीप गोड्स कैमल्स एंड कैटल इन द रीजन कैमल इज़ द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन अ डेजर्ट It is very useful animal in deserts. It can live without water and food for many days. A camel has broad padded feet which help it to walk firmly in the sand. It is also called the sheep of the desert. Camel's hair is used to make clothes and its skin is used to make tents. It is also used to plough the field and draw water from wells. Near the wet patches, people grow crop like ज्वार बाजरा मेजग्रेन एंड व्हीट स्टूडेंट्स उस रीजन के लोग ज़्यादातर शीप गोट्स कैमल कैटल ये सारी चीज़ें पालते हैं ओके कैमल क्या है डेजर्ट का बहुत यूजफुल एनिमल है ओके बहुत से कामों में कैमल हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है कैमल ओके कैमल क्या होता है बिना फूड और वाटर के बहुत दिन तक जिंदा रह लेता है ओके और उसके क्या होते हैं ब्रॉडपैडेड फीट मतलब कि उसके पाओ पे क्या होते हैं गद्दे जैसी होती है मोटे और गद्दे जैसी जो उनको हेल्प करते हैं रेत में जो गर्म होती है वहां पे चलने में हेल्प करते हैं कैमल को क्या कहते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं कैमल के जो हेयर्स हैं बाल हैं वो क्लोथ्स बनाने में और उसके स्किन टेंट्स बनाने में यूज किए जाते हैं कैमल्स को प्लव द फील्ड मतलब खेत जोतने के लिए भी यूज करते हैं प्लव द फील्ड खेत जोतने के लिए और ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स मतलब कि कुएं से पानी निकालने के लिए भी हेल्प करते हैं ओके वेट पैचेस के पास पीपल क्रॉप ग्रो करते हैं कौन कौन से क्रॉप ग्रो करते हैं ज्वार बाजरा मेजग्रेन एंड व्हीट ओके देन People live near an oasis as the land around it is fertile. Many people in the desert lead a nomadic life. This means that people do not live at one place but keep on moving from one place to another. The nomads of the Thar Desert are called Banjaras. They use camel and bullock carts to move from one place to another. Matlab वहां के पीपल एक प्लेस में नहीं रहते वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव होते रहते हैं ओके द नोमार्ट ऑफ थार डेजर्ट आर कॉल्ड बंजारास थार डेजर्ट के नोमार्स को क्या कहते हैं बंजारास कहते हैं नोमार्ट्स मतलब होता है खाना बंदोश ओके okay? सो so, वहां के लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कैमल और किसका बेल का यूज करते हैं ओके okay? नाउ Most houses in the desert region have flat roofs and small windows. The walls are made thick to keep the heat out so that the house remains cool. Some houses have underground tanks to store water. Desert region के बहार से घर flat roof मतलब कि मोटा छत के होते हैं, ओके okay? और small windows होते हैं और वॉल्स मतलब दीवार क्या होते हैं थिक होते हैं ताकि हीट को अंदर आने से मतलब रोके रख सके ताकि घर ठंडा रहे ओके okay. कुछ घरों में क्या होते हैं अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं पानी स्टोर के रखने के लिए क्योंकि वहां पे पानी की कमी होती है ओके देन द पीपल ऑफ थार डेजर्ट इन राजस्थान वेयर कलरफुल क्लोथ्स मैन वियर धोती कुर्ता एंड टर्बन वेर इज वन वियर घाघरा चोली एंड ओढ़नी राजस्थान में थार डेजर्ट की पीपल कलरफुल कपड़े पहनते हैं मैन क्या पहनते हैं धोती कुर्ता और टर्बन मतलब पगड़ी पहनते हैं ओके और वोमेन्स क्या पहनते हैं वहां के घाघरा चोली और उड़नी पहनते हैं द पीपल ऑफ राजस्थान सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद जॉय एंड स्पलेंडो द मेन फेस्टिवल ऑफ राजस्थान आर गंगौर तीस दशहरा एंड दिवाली राजस्थान का मेन फेस्टिवल क्या है गंगौर तीस दशहरा और दिवाली राजस्थान के पीपल बहुत ही खुशी और धूमधाम से अपने सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं ओके नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शंस द थार्ड डेजर्ट इज कवर्ड विथ माउंटेन्स यस और नो नो एन ओआसेस इज अ फर्टाइल एरिया येस द हिलॉक्स ऑफ सैंड आर कॉल्ड ड्यून्स नो ओके सो चिल्ड्रन दैट्स इट फॉर टूडे इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न Another topics of this chapter, okay?